قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين ये अनाम की आयत नंबर पचास से आयत नंबर बावन तक तीन आयतें हैं इसमें दरक़ीक़त मुशरक़िन के जो मुतालबात थे उनका ज़िक्र किया गया है कि उनमें से बाद लोग ये कहते थे कि हम आपको पैगम्बर उसवत मानेंगे जबकि आप बहुत सारे खजाने हमारे सामने ला कर ढेर कर दें अल्लाह ताला आपको खजाने भेजे और वो हमारे सामने ढेर कर दिए जाएं और बाज़ा मुतालबा ये होता था कि हमें ऐसी बातें बताई जाएं जो गैब से ताल्लुक़ रखती हैं यानी जैसे नजूमी वगैरह बहुत सी ख़बरें दिया करते हैं उस तरह की कोई ऐसी ख़बरें हमें दें जिससे हमें पता चल जाए कि आप अल्लाह के पैगंबर हैं और बाद लोग ये कहते थे कि आप फरिश्ता हो फरिश्ते हो कि शक्ल में आए और फरिश्ता हमें हिदायत का रास्ता दिखाए तो ये सारे के सारे दावे जो या मुतालबात जो कुफार की तरफ से किए जाते थे उनका जवाब इस इन आयात करीमा में दिया गया है इसी तरह उनका एक मुतालबा ये था कि आपके जो मुदबीन हैं जो लोग आप पर ईमान लाए हैं वो माशरे में गरीब किस्म के लोग हैं और इन गरीबों के साथ जो माशरे में अदना रुतबे के समझे जाते हैं इन लोगों के साथ हमारा बैठना या हमारी तोहिन है लिहाजा इनको आप हटाएँ तो फिर हम आपकी बात सुनने को कुछ तैयार होंगे अगरचे जो नबी करीम अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाले थे वो सारे के सारे ऐसे नहीं थे उसमें आला ख़ानदान के लोग भी थे लेकिन कुछ ग़ुलाम भी थे जैसे रि बिलाजील्ल तु और आयात बिल्ल वो उनको अख़ीर समझते थे तो इस कस्म के लोगों को आप अपने पास से हटाएँ तो फिर हम फिर आपकी बात को सोचने समझने की कोशिश करें इन आयात में उनके इन मुतालबात का जवाब दिया गया है तर्जमा यह है कि आ पैगंबर उनसे कहो मैं तुमसे यह नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं और न मैं गैब का पूरा इल्म रखता हूँ और न मैं तुमसे ये कहता हूँ कि मैं फरिश्ता हूँ मैं तो सिर्फ उस वही की इतवा करता हूँ जो मुझ पर नादिल की जाती है कहो कि क्या एक अंधा और दूसरा बिनाई रखने वाला दोनों बराबर हो सकते हैं फिर क्या तुम गौर नहीं करते और ए पैगम्बर तुम इस वही के ज़रिए उन लोगों को ख़बरदार करो जो इस बात का खौफ रखते हैं कि उनको इनके परवरदिगार के पास ऐसी हालत में जमा करके लाया जाएगा कि उसके सिवा न उनका को ना कोई ग्यारो मददगार होगा न कोई सिफ़ारशी ताकि वो लोग तखबा इख्तियार कर लें और उन लोगों को अपनी मस्जिद से ना निकालना जो सुबह शाम अपने परवरदिगार को उसकी खुशनुदी हासिल करने के लिए पुकारते रहते हैं उनके हिसाब में जो अमाल हैं उनमें से किसी की जिम्मेदारी तुम पर नहीं है और तुम्हारे हिसाब में जो अमाल हैं उनमें से किसी की जिम्मेदारी उन पर नहीं है जिसकी वजह से तुम उन्हें निकाल बाहर करो और ालिमों में शामिल हो जाओ तो अल्लाह तबारक तआला ने नबीय करीम वसल्लम को ये बात कहने की काद फरमाई कि जब ये लोग इस कस्म के मुतालबे लेकर आते हैं तो उनसे साफ साफ कह दो कि मेरे पास न तो अल्लाह के खजाने हैं मैंने कब दावा किया है कि मेरे पास अल्लाह के ख़जाने हैं मैंने कब दावा किया है कि मुझे इल्म गैब हासिल है मैंने कब दावा किया है कि मैं फ़रिश्ता हूँ या फरिश्ते जैसी सिफ़ात रखता हूँ मैं तो सिर्फ अपने ऊपर जो वही नाजिल होती है उसी को सुनाता भी हूँ और उसी पर ख़ुद भी अमल करता हूँ यहाँ जो तीन चीज़ें ज़िक्र की गई एक ये कि मैंने मैं तुमसे ये नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के ख़जाने हैं दूसरा ये है कि मैं कैब नहीं जानता और तीसरा ये कि मैं अपने फरिश्ते होने का दावा नहीं करता बल्कि मैं वही की इतवा करता हूँ इशारा इस तरफ है कि तुम्हें जो ये बार बार मौजात की तलाश होती है या उसकी फरमाइश होती है अगर गौर करो तो तुम्हारे सामने मौजात इतने खुलकर आ गए हैं कि उसके बाद किसी नए मौजे की ज़रूरत नहीं है नबी करीम सरबर आलम सल्ला वसल्म की सीरत तय्यबा बदात खुद एक मौजा है आप उम्मीद थे और लिखना पढ़ना नहीं आता था लेकिन उसके बावजूद आपके ज़बान मुबारक पर ऐसा कलाम नाजिल हुआ जिसके आगे बड़े से बड़े फुस कहा ने बड़े बड़े फसी बलीगों ने और शायरों ने घुटने टेक दिए और इस चैलेंज के बावजूद कि तुम इस जैसा कोई एक कलाम बना कर ले आओ कोई भी शख्स आगे नहीं बढ़ा और किसी ने भी इसके मिसल कोई कलाम पेश करने की ज़रूरत नहीं की फिर अल्लाह ताली ने ये मज़हबी आपको अता फ़रमाया कि आपने चाँद के दो टुकड़े फरमा दिए थे इसके बाद फिर हर वक्त मुतालबे करते रहना कि तुम फ्रा फ्राँ बात करो फ्राँ बात करो तो नबी इस काम के लिए नहीं आता कि वो लोगों के खेल तमाशे दिखाए और उनको हर वक्त उनके मुंह मांगे मजदात फराहम की करता रहे ये दिन कोई खेल तमाशों का दिन नहीं है ये दर एक ऐसे आ, तर्ज़ ज़िंदगी का दिन है कि जो तुम अगर उसका मुकाबला अपने पिछले तर्ज़ ज़िंदगी से करो तो खुद ब खुद तुम्हें पता चल जाएगा कि ये दिन हकीकी है और जो कुछ हम पहले करते रहे हैं वो दरक़ीकत जाहलीत की बातें तो पहले तो ये फरमाया कि मैं तुमसे ये नहीं कहता कि अल्लाह के ख़जाने मेरे पास अल्लाह के ख़जाने से मुराद ये है कि अल्लाह के दिए हुए ऐसे ख़जाने के जो आम अस्बाब से मुख्तलिफ़ आम असबाब के बग़ैर अल्लाह ताला ने अता फ़रमा दिए गए हों और वो उनको आ, सारे के सारे ख़जा उनके सामने जमा कर दें तो अल्लाह तबारा को तार ने पहले तो ये फरमाया कि तुम्हें कह दो कि तुम मुझसे ख़जाइन दुनिया का मुतालबा करते हो तो मैंने कब ये दावा किया है कि अल्लाह ताला के सब खजाने मेरे साथ में हैं और इसी तरीके से मैं कब ये कहता हूँ कि मैं गैब का इलम रखता हूँ न मैं फरिश्त हूँ इसमें यह बात काबिल गौर है कि तीन बातें इरशाद फरमाई गई उनमें से दो के साथ हैं लाआरालकुम मैं तुमसे यह नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के ख़जाने हैं दावा नहीं करता और तीसरी बात के लिए फ़रमाया वाला वाअुरुम इन्नी मलक मैं ये दावा नहीं करता यह नहीं कहता कि मैं फ़रिश्त हूँ लेकिन तीसरी चीज़ जो बीच में लाई गई है उसमें यह नहीं फरमाया कि्लाकुररकम अन्य आलमैब इन्नी आलमैब माँ अल्ला अक्रकम नहीं है बल्कि साफ सीधा ही लफ्ज कहा गया कि मैं गैब नहीं जानता तो ये जो एक स्लूब बदला गया है कि दो जगह तो बायदा ये कह दिया गया कि मैं दावा नहीं करता और दूसरी तरफ इन इस जुमले के अंदर ये फरमाया गया कि मेरे पास मैं इल्म गैब नहीं रखता के तो दर हकीकत वजह उसकी यह है कि जो तमाम खुदाई खजानों का मालिक होना या ना होना इसी तरह किसी शख्स का फरिश्ता होना या ना होना ये चीजें तो मुशाहदे से ताल्लुक रखती हैं कि खजाने होते तो नजर आते और अगर फरिश्ते तो फरिश्ता होने की से वो नजर आता मखातब लोग भी सब जानते थे कि अल्लाह ताला के ख़जा सब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नहीं हैं और आप फरिश्ता भी नहीं हैं लेकिन महज इदन ये मुतालबा किया करते थे उनके जवाब में ये कह देना काफ़ी था कि मैंने कभी यह दावा नहीं किया कि मेरे पास ख़जाइन है न मैं फरिश्ता हूँ मैंने कभी यह दावा नहीं किया लेकिन इल्म गैब का मसला ऐसा नहीं था क्योंकि वो लोग अपने नजूमियों काहनों के बारे में भी इसका एतक़ाद रखते थे कि वह गैब को जानते हैं तो अल्लाह के रसूल के बारे में एहत रखना कुछ मुस्तबाद नहीं था खसूसा जब के रसूल करीम सल वसम की जबार मुबारक से उन्होंने बहुत सी ग़ैब की खबरें सुन भी रखी थी और उनके सही होने का मुशाह भी कर लिया था इसलिए यहाँ सिर्फ दावे का जिक्र करना काफ़ी नहीं समझा गया बल्कि असल इल्म इल्मैब की नफ़ी कर दी गई कह दिया गया कि ला आलमिल्ब में ग़ैब नहीं जानता इसमें उनकी इस ग़लत फहमी को रफ़ा कर दिया कि अल्लाह ताला की तरफ़ से बज़र वही या इल्हाम जिन ग़ैब की चीज़ों का इल्म किसी फ़रिश्ते या रसूल को दिया जाता है इस तरह कुरानी में उसको इल्मब या उसके जानने वाले को आलमिल्ब नहीं कहा जाता इसी से ये बात भी वाज हो गई कि इस मामले में किसी मुसलमान को शक नहीं हो सकता कि अल्लाह तबारक व ताली ने रसूल करीम सलील वम को गैब की हजारों लाखों चीज़ों का इल्म इल्मरमाया था बल्कि तमाम फरिश्तों और इब्ताय आफिनश से जितने इंसान पैदा होने वाले हैं या जन्ात पैदा होने वाले हैं उनको जितना इल्म दिया गया है नबी करीम सरम सल्ला का इल्म उन सब से कहीं ज़्यादा यही पूरी उम्मत का अकीदा है कुरान करीम ने और नबी क़रीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ने बार बार ये तसरीहत की हैं कि तमाम कायनात का इल्म मुहीत वो सिर्फ़ अल्लाह तबारक तआला की इस सिफत है इस तरह उसके खालिक को राज़िक और कादर मुतलक होने में कोई फरिश्ता या रसूल उसका उसके बराबर नहीं हो सकता इसी तरह गैब के इम मुहित में भी कोई उसके बराबर नहीं हो सकता इसीलिए अल्लाह तला के सिवा किसी फरिश्ते या पैगंबर को गैब की लाखों चीजें मालूम होने के बावजूद आलमुल ग़ैब नहीं कहा जा सकता यहाँ खूब समझ लीजिए कि एक होता है इल्मैब और एक होता है अम्बालब अम्बाउल़ैब के माना गैब की खबरें और इम उलैब की इस तरह के माना ये होते हैं कि तमाम कायनत का इल्म मुहित जिससे किसी चीज का अदना चीज़ का भी इस्तान ना हो दोनों में यह फ़र्क है नबी करीम सरवरआलम सोसम को गैब की ख़बरें इतनी दी गई इतनी दी गई इतनी दी गई कि इस कायनात में किसी और को नहीं दी गई इतनी खैब की खबरें आपके पास थी आप लोगों को बताते थे आप जो जन्नत के हहवाल बता रहे हैं वो वो एक तरह से अम्बाउल गैब ही थी आप जो जहनम के हवाल बता रहे हैं तो वो अम्बाउैब ही थीं वह गैब की खबरें थीं इसी तरह नबी करीम सरवरदालमल्लम जो पिछले अम्ब्याए कराम के वाक़्या बयान फरमाते हैं वह गैब की खबरें थी और वैसे भी बसाओक़ात नबी करीम सरदम सल्ला व्सम से मनकूल है कि आपने किसी आने वाले वाक़े की पेश की ख़बर दे दी लोगों को बता दिया कि यह वाक़ पेश आने वाला है यह भी गैब की खबर थी तो गैब की ख़बरों की बेशुमारस्में नबीय करीम सरम को अता हुई थी और उसकी इसका इस, इस उम्मत मुस्लिम में कोई नफ़ी नहीं कर सकता आप सबसे बड़े जानने वाले थे गैब के लेकिन इल्मुल गैब यह एक इस तरह है और उसका मतलब ये होता है कि किसी वास्ते के बग़ैर किसी के दिए बग़ैर जाती इल्म जो मुहीत हो तमाम कायनात को कि जिसका एक ज़र्रा भी एक एक पत्ता भी उससे मुस्सना ना हो जैसे कि कुरान करीम फरमाया कि कोई अगर पत्ता भी गिरता है तो अल्लाह ताला जानता है कोई दाना अगर ज़मीन की गिन, अंधेरियों में होता है और कोई खुश्क हो या तर हो वो सब अल्लाह तबारक व तआला के इल्म में है तो ये इस किस्म का इल्म मुहीत जो जिससे कायदात की कोई चीज़ मुस्सना न हो ये अल्लाह दिला की खास सिफत है ये और उस खास सिफत में उसका कोई शरीक नहीं इस तरह अल्लाह तबारक व ताली के खालि होने में कोई शरीक नहीं इस तरह कोई राज होने में कोई शरीक नहीं इसी तरह इस इल्म ग़ैब में भी कोई शरीक नहीं लेकिन अबाउल ग़ैब बेशुमार नबी करीम सरबम सल वम को अतः फरमाई गई थी तो अल्लाह तहाँ इसलिए कहलवा दिया बीय करीम से कि मैं गैब नहीं जानता हालांकि लोग देख रहे थे कि बहुत सी गैब की खबरें आप बता रहे हैं तो बतलाने में मकसूद है कि बेशक गैब की खबरें आप बता रहे हैं और बहुत कुछ बहुत बता रहे हैं उसके बावजूद इल्म गैब जो अतलाही मान में है वो सिवाय अल्लाह ताला के किसी और के पास नहीं हो सकते जब ये बात हो गई कि मैंने ये दावे कोई नहीं किए लेकिन मैं तो तुम्हारे सामने जो हकाइक़ कायनात हैं वो बताता हूँ कि इस कायनात को पैदा करने वाला कौन है किसने इसको पैदा किया है कौन इसको चला रहा है और इसमें ज़िंदगी गुजारने के क्या तरीक़े हैं वो बताने के लिए आया हूँ अब वो तरीक़े अगर कोई आदमी ज़रा भी अकल रखता हो समझ रखता हो उसकी आंखें देखने के लायक हों उसकी समाज सुनने के लायक हो तो वो इन निशानियों को देखकर इन दलाइल को देखकर ईमान लाही लाने पर मजबूर है लेकिन जिस आदमी ने अपनी आँखें बंद कर रखी हों और वो देखने की सलाहियत अपने अंदर रखता ही ना हो और वो इन सारी निशानियों को देखने के बावजूद ये कहता हो कि मुझे कुछ और चाहिए तो उसकी मिसाल अंधे जैसी है और जो शख्स इन निशानियों को आंखों से देखकर और अपनी अकल से समझकर इस पर ईमान लाता है तो वो ऐसा है जैसे कि एक बीना शख्स जो देखने पर कादर है इसलिए फरमा दिया कि पुल आप ये कह दीजिए कि बिल आमा बल आम के अंधा और देखने वाला बराबर नहीं हो सकता अफला तो, तो क्या तुम गौर नहीं करते यानी अगर गौर करोगे तो खुद इस मंजिल तक पहुंच जाओगे लेकिन तुमने गौर इखलास के साथ गौर करने की तुमने आदत ही नहीं डाली उसकी वजह से तुम ईमान से महरूम हो जब ये लोग यानी इस तरह की बातें करते थे तो एक इनाद था एक जिद थी एक हरदर्मी थी तो अल्लाह तबारक व तारा फरमाते हैं कि जब ये इस हरदर्मी पर कायम है तो फिर आप इनसे बहस मबासा ही छोड़ दीजिए और उन लोगों को तक पैगाम तबलीग का पहुंचाइए कि जो इनके दिलों में खौफ है अपने परवरतगार का तो फिर वाहिर बह या खाफू नई शरूहिम और आप डराइए आगाह कीजिए उन लोगों को जो इस बात का खौफ रखते हैं कि उनको उनके परवरदिगार के पास जमा करके लाया जाएगा और इस हालत में लाया जाएगा कि किसद ही वली शफफ़ी कि उनका न कोई यारो मददगार होगा न कोई सिफारशी होगा इस तरह उनको डराइए ताकि वो लोग तखबा इख्तियार करें अब यहाँ अगर गौर किया जाए तो नबी करीम सरवरम सल्ला व्लम के जो मुखातब थे उनमें तीन किस्म के लोग थे एक वह हैं जो ईमान लाए थे नबी करीम के ऊपर दूसरे वो हैं कि जो मुतरद थे यानी शक में थे कि हम ईमान लाएं या ना लाएं और तीसरे वो हैं जो जिद और इनाद की वजह से कुफुर पर जमे हुए थे कुफर पर अड़े हुए थे तो यहां जो जिक्र आ रहा है तो पहले जो जिक्र किया था वो तीसरे किस्म के लोगों का था कि इनके सामने सारे दलाइल आ चुके हैं उसके बावजूद ये उसके मुनकर हैं तो पहली तीस पहली जो जिक्र था कि उनसे कह दो कि मैं तो वही की इतबा करता हूँ और अंधा और बीना बराबर नहीं हो सकते ये उन लोगों का जिक्र था जो जिद और इनात पर अड़े हुए थे बाकी दो किस्में जो थीं एक वो जो ईमान ले आए थे यहां उनका जिक्र है कि जिनको ये खौफ है कि वो अल्लाह जाए जाएंगे और ऐसी हालत में ले जाए जाएंगे कि कोई कारसाज नहीं होगा कोई प्यार मददगार नहीं होगा कोई सिफारशी नहीं होगा तो इससे मुरादिया कि उनको आगाह कीजिए उनको आखिरत की फिक्र उनके अंदर पैदा कीजिए और आखिरत की फिक्र पैदा करने के नतीजे में उनके अमाल की असलाह की तरफ उनको मुतवज़ कीजिए यानी मुसलमान हैं लेकिन मुसलमान होने के बाद इस्लाम के जो तकाज़े हैं उन पर अमल कराने के लिए उनको बताया जाए कि कौन सा तर्ज अमल दुरुस्त है कौन सा गलत है कौन सी चीज सवाब है कौन सी चीज गुनाह है ये उन लोगों को बताइए कि जो डरते हैं किस बात से डरते हैं कि हमें अल्लाह के सामने पैदा ले जाया जाएगा और हमें एक एक फेल का और कौल का जवाब देना होगा तो मोमिन को तो इस तरह बताइए और दूसरे वो लोग थे कि जो शक में थे यानी अभी तक ना जिद और हर गर्मी पर कायम थे और ना पूरी तरह ईमान लाए थे दिल में कुछ शुभहात थे जिन में दिल में कुछ गलत फहमियां थीं उसकी वजह से अभी ईमान भी नहीं लाए थे और पूरी तरह जिद और इनाद का रवैया भी इख्तियार नहीं किया हुआ था तो उनके बारे में कहा जा रहा है कि उनके दिल में भी एक खौफ है कि हो सकता है जो बात यह कह रहे हैं वो सही हो और ये खौफ यह है कि शायद वो भी अल्लाह ताला के पास जमा करके ले जाए जाएं और उस वक्त में उनका कोई यार व मददगार भी ना हो कोई सिफारिश भी ना हो तो एक खौफ फिल जुमला उनके दिलों के अंदर मौजूद है उस खौफ को इस्तेमाल करते हुए आप उनको आगाह कीजिए कि तुम्हारा खौफ दुरुस्त है और वाक़ता तुम्हें अल्लाह ताला के सामने ले जाया जाएगा और तुम्हें एक एक अमल का जवाब देना होगा तो उनकी तरफ अपनी तोज्जो मब्दूल कर लीजिए वो तो तीसरा फरीक जो जिद और अनाथ पर दड़ अड़ा हुआ है उससे बहस मुबासा करने का कोई फ़ायदा नहीं लेकिन इन लोगों के साथ आप अब इस इसम हो जाइए और इनको अल्लाह ताला के पैगाम पहुंचाइए और उसके ज़रिए इनको जहन्नम के आदाब से डराइए और अल्लाह ताला के सामने खड़े होकर जवाबदेही का एहसास इनके देंगे अंदर पैदा कीजिए उसका नतीजा क्या होगा कि ला तक उसके नतीजे में इनके अंदर तकवा पैदा होगा तो इससे मालूम हुआ कि तकवा का मतलब ये होता है कि इंसान के दिल में यह एहसास जागुजी हो जाए कि मैं एक दिन अल्लाह ताला के सामने पेश होऊंगा और अल्लाह ताला के सामने पेश होकर मुझे अपने आमाल का जवाब देना होगा उस वक्त मेरा कोई दोस्त नहीं काम आएगा उस वक्त मेरा कोई सिफारशी काम नहीं आएगा उस वक्त सिर्फ मेरे अमाल ही काम आएंगे इस वास्ते ये एहसास जब इंसान के बंदे दिल में पैदा हो जाता है तो वही तकवा है तकवा के माना यही है ये एहसास ये ध्यान कि मुझे अल्लाह ताला देख रहा है और मैं एक दिन अल्लाह ताला के सामने पेश होकर अपने तमाम आमाल का जवाब दे हूँगा यही तकवा है इसलिए फरमाया फरमाए अगर ये आपने उनके दिलों में यह एहसास पैदा कर दिया तो उनके अंदर तकवा पैदा होगा और ये जो तो कहा जा रहा था कि भाई आपके पास जो लोग हैं उनमें से बाज निचले दर्जे के माजल्ला निचले दर्जे के लोग हैं गरीब लोग हैं और जब तक आप इनको हटा ना दें अपनी मजलिस से हम आपकी बात नहीं सुनेंगे हमें इनके साथ बैठना आर है हमारे लिए आर हैब है कि हम लोगों के साथ बैठें तो अल्लाह ताला ने उसका जवाब देते हुए फरमाया कि वला तदीन रब्बुल्क़ाति वला वलाशी अपने पास से अपनी मजलिस से ना निकालना जो सुबह शाम अपने परवरदिगार को उसकी खुशनुदी हासिल करने के लिए पुकारते रहते हैं ये हैं तो देखने में गरीब और कम हैसियत लेकिन अल्लाह ताला क्या है इनका मकाम बहुत ऊंचा है ये सुबह शाम अल्लाह ताला को पुकारते हैं अल्लाह ताला से दुआएं करते हैं उसकी खुशनुदी हासिल करने के लिए तो इसलिए वो अल्लाह ताला को ज्यादा महबूब है तो इन जिद्दियों के मुका कहने के, पर ऐसे लोगों को अपनी मस्जिद से हरगिज निकाल ना निकालिए जो अल्लाह ताला के मतबे है और अल्लाह तदामंदी चाहते हैं बला ततर दिल्ली और न न न न न न न न निकालना उन लोगों को यदून अब्बाहम जो अपने परवरदगार को पुकारते हैं बिलग़त वलाशी सुबह और शाम यानी हर वक्त पुकारते रहते हैं युदून वजह और ये जो पुकारना है उनका अल्ल त वो इसलिए है कि अल्लाह की चाहते हैं यहाँ ये यह बात मालूम हुई कि अल्लाह ताला के साथ रा रखना वो चाहे दुआ के जरिए हो चाहे जिक्र के ज़रिए हो या महज ख्याल के जरिए हो ये अल्लाह तबारक व ताली के यहाँ बहुत ज़्यादा र्ब का सबब बनता है और अल्लाह तबारक व तालसरत है जिक्र अल्लाह ताली के जिक्र की कसरत चाहे वो जिक्र ज़बान से हो या दिल से हो और उस जिक्र का एक बहुत आसान तरीका और बहुत मुफीद तरीका यह है कि आदमी हर वक्त और अपने परवरदिगार से कुछ ना कुछ मांगता रहे अपनी छोटी बड़ी हाजत कोई भी हाजत पेश आए तो वो अल्लाह ताला की बारगाह में पेश करके उसको मांगे कि अल्लाह मेरी हाजत है अपने फजलो करम से तो मुझे अता फरमा दीजिए चाहे जबान से मांगे या दिल से मांगे अल्लाह ताला आलिम बिज़ा सुदूर है वो दिल की बातों को भी जानता है लिहाजा अगर मौका नहीं है कि किसी आदमी मजलिस में बैठा है बातचीत हो रही है उसमें आदमी ज़बान से ज़िक्र करे जबान से अल्लाह ताला से मांगे तो ये बात अवकात मुश्किल होता है लेकिन अगर दिल ही दिल में अपने परवरदगार को पुकारता रहे या अल्लाह मैं मजलिस में बैठा हूँ मेरे मुझसे ऐसा काम करा लीजिए जो आपके रजा के मुताबिक तो ये जो दिल दिल के अंदर वो अल्लाह ताला को पुकार रहा है ये अल्लाह ताला को बहुत रजी बिलगदात तो है सुबह और शाम का लेकिन मुहावरे के अंदर आप सब जानते हैं कि सुबह शाम को जब कहा जाता है कि वो सब सुबह शाम ये काम करता है तो उसके ये ये नहीं है कि सिर्फ सुबह के वक्त करता है सिर्फ शाम के वक्त करता है बल्कि मतलब ये कि हर वक्त करता रहता है तो अल्लाह ताला के महबूब बंदों का ये वतीरा होता है कि वो सुबह शाम और हर वक्त अल्लाह ताला से अपने लो लगाए हुए होते हैं कुछ ना कुछ मांग रहे होते हैं कुछ ना कुछ अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र कर रहे होते हैं कुछ ना कुछ अल्लाह ताला की तस्बीह कर रहे होते हैं तो ये जो हमारे ख़्यालत का एक तूफ़ान है जो हमारे जहनों में हर वक्त रहता है तो उसका रुख यहाँ मोड़ा जा रहा है जो हर वक्त तुम सोचते रहते हो इंसान का दिमाग जो है वो हर वक्त कुछ ना कुछ सोचता है कोई लम्हा ऐसा नहीं है जिसके जिसमें इंसान कुछ ना कुछ सोच रहा हो उस सोचने से क्या फायदा है तुम्हारा फला काम हो गया या नहीं हो गया फला ने ये कर दिया फला ने वो कर दिया इस सोचने से तुम्हें हासिल क्या लेकिन उस सोच का रुख अगर तुम परवरदिगार की तरफ मोड़ दो कि देखो लता ने मुझे कैसी नेमत अदा फरमाई है मैं किस तरह खुशहाली की ज़िंदगी गुजार रहा हूँ मैं किस तरह मसरत और आफ़ियत की ज़िंदगी गुजार रहा हूँ और अगर कोई हाजत है तो अल्लाह ताला से मांगे कि अल्लाह यह हाजत मेरी पूरी फरमा दीजिए तो ये सोच इंसानी सोच का रुख मुड़ जाता है अल्लाह ताला की तरफ तो यह है यदर रब हम बल्ताती कि वह अपने परवरदार को पुकारते हैं सुबह शाम और सुबह शाम से मुरादिया के हर वक्त दूसरी बात फरमाए गुरीदू ना ये अल्लाह ताला को पुकारने का मकसद असल मकसद ये है कि की खुशनुदी हासिल हो यहाँ ये भी बता दिया कि आदमी अगर अपनी हाजत भी मांग रहा हो कोई अल्लाह ताला से कोई दुआ मांग रहा हो कि वही अल्लाह मुझे फुरा चीज ताक़ फरमा दीजिए तो उसमें उस, उस हाजत का पूरा करना तो खैर एक मकसद होता ही है कि अल्लाह मेरी हाजत पूरी हो जाए लेकिन जहन में यह होना चाहिए कि ये मैं दुआ जो कर रहा हूँ इससे मेरा परवरदिगार मुझसे राजी होगा मुझे परवरदिगार की खुशनुदी हासिल होगी मैं जो मांग रहा हूँ वो मिले या ना मिले वो तो अल्लाह ताला का फैसला है जो लोग अल्लाह ताला की रजा की खातिर दुआएं मांगते हैं तो वो उनके दिलों में ये बात होनी चाहिए कि मैं मांग तो रहा हूं ये चीज लेकिन इसका देना या देना अल्लाह तबारक के अख्तियार में है लेकिन मेरा नकद फायदा यह है कि मैं इसके जरिए अपने परवरदिगार की खुशनुदी हासिल कर रहा हूं इसलिए कि हदीस में आता है कि नबी करीम ने फरमाया कि दुआ बजात खुद एक इबादत है आदमी मांग रहा है अपने लिए रोजी मांग रहा है सेहत मांग रहा है रोजगार मांग रहा है औलाद मांग रहा है यह अपनी हाजतें मांग रहा है लेकिन यह हाजत मांगना बजात खुद एक इबादत है हर दुआ पर एक अजर है हर दुआ पर एक अजर है और जितना ज्यादा दुआ करता जाएगा उतना ही अल्लाह ताला तुरब हासिल होता जाएगा तो जुरीदू न बजा अपने प्रकारने से उनका मकसूद असली मकसूद यह है कि मेरा परवरदिगार राजी हो जाए भी मकसूद यह है कि जो मांग रहा हूं मिल जाए वो भी चीज है असल चीज यह है कि जो नकद फायदा इसका है वो मुझे हासिल हो जाए कि मेरा परवरदिगार मुझसे राजी हो और दुआ के ऊपर भी मुझे अजर अदा फरमाए तो ये दो लफ्ज़ों में अल्लाह तबारक व तारा ने अल्लाह के नेक बंदों की जो एक अहम सिफत है वो बयान फरमा दी कि हर वक्त मांगते हैं अल्लाह ताल से अपने परवरदगार से और इसी इसलिए मांगते हैं कि उसकी खुशनुदी चाहते हैं आम तौर से तो ये सोच सोचा जाता है ना कि दुआ इसलिए की जा रही है ताकि वो जो चीज़ मांगी जा रही है वो मिले लेकिन यहां उसका जिक्र नहीं है बल्कि यदीदू न बजा वो अल्लाह ताला की तजामंदी चाहते हैं, तो मालूम हुआ कि दुआ के अंदर असल चीज यह है कि मेरा परवरदिगार मुझसे राजी होगा इस अमल के जरिए फिर उसके बाद जो चीज है वो मिल जाए सुबहानल्ला न मिले तो अल्लाह ताला किसी हमत की वजह से नहीं देंगे तुम्हारी किसी मसलाहत की वजह से नहीं देंगे बाद बच्चा जो है वो मांगता है कि मुझे चाकू दे दो और बाप समझता है कि उसके लिए मुनासिब नहीं है नहीं देता तो वो दे या ना दे लेकिन एक नकद फ़ायदा तुम्हारा यह हासिल हो गया कि तुम्हें अल्लाह ताला से ताल्लुक़ क़ायम हो गया और अल्लाह तबारक वाल की वजह से अल्लाह की ही हासिल हो गई ये नुक्ता अगर अल्लाह ताला हमारे दिलों में पैदा फरमा दे तो हकीीकत यह है कि अल्लाह ताला का क़ुरब हासिल करने का इससे बड़ा कोई और ज़रिया नहीं है अल्लाह ताला हम सबको अतः फ़रमाए इसके बाद अल्लाह तबारक तो इरशाद फरमाया कि मा अलेका मिन माँ आसाब हिम मिन इन मामाबी मिन अल्शई इसका तर्जमा यह है कि उनके हिसाब में जो अमाल हैं उनमें से किसी की जिम्मेदारी तुम पर नहीं है और तुम्हारे हिसाब में जो अमाल हैं उनमें से किसी की ज़िम्मेदारी उन पर नहीं यहाँ जिस ज़िम्मेदारी का ज़िक्र हो रहा है जिन लोगों का ज़िक्र हो रहा है कि उनके अमाल की ज़िम्मेदारी आप पर नहीं है और आपके अमाल की ज़िम्मेदारी उन पर नहीं है उसका एक मतलब तो यह है हो सकता है कि ये उन से मुराद यानी उनकी ज़मीर राजे हो रही हो उन्हीं फ़ुरा की तरफ इनको ये कह रहे थे मुश्किन के उनको अपनी मस्जिद से निकाल दो उस सुरत में मतलब ये होगा कि ये काफिर लोग इनको ज़ाहरी बदहाली की वजह से ज़ाहरी खस्ताहाली की वजह से ये समझते हैं कि ये हमारे साथ बैठने के लायक नहीं हैं उनमें से बाद लोग शायद ये भी समझते हों कि ये लोग जो हजूर अकदर सल्ला व्म के पीछे आए हैं तो इनका मकसद दर हकीक़त यह है कि वो कुछ रसूल करीमल आसम से मुनाफ़े हासिल करें और हकीकत में ईमान लाना मतलूब नहीं है अगर इस तरह की बात उनके कब्रशीन के दिल में थी तो उसके जवाब में फरमाया गया कि जब ये लोग ईमान लाए हैं और आपके पीछे चल रहे हैं आपकी बातें सुन रहे हैं और अल्लाह तबारक वाली से दुआएं कर रहे हैं आपकी रजा अल्लाह ताली की रजा जोई के तलबगार हैं तो फिर इनका जो जाहिर है आप उसे जाहिर के मुकलफ़ हैं उनके बातिन में या दिल में क्या है उसके आप मुकलफ़ नहीं हैं उसकी जिम्मेदारी आप पर आयद नहीं होती तो माँ आई का मिनहसाबी है मिनशई के उनके हिसाब में जो अमाल हैं वो उनमें से किसी की जिम्मेदारी तुम पर नहीं है वाम हिसाब का अलहि मन और तुम्हारे हिसाब में जो अमाल हैं उनमें से किसी की जिम्मेदारी उन पर नहीं है इसमें तो यह बात भी काबिल गौर है कि ये जो फरमाया गया कि आपके हिसाब में जो अमाल हैं उनमें से किसी की जिम्मेदारी उन पर नहीं है आमतौर से यहां मुराद होता है कोई गलत काम गलत काम उनके किसी गलत काम की जिम्मेदारी आप पर नहीं आपके किसी गलत काम की जिम्मेदारी उन पर नहीं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के के बारे में तो ये तस्वूर ही नहीं किया जा सकता कि आपसे कोई महाजल्ला गुनाह सरद दुआ हो लिहाजा आपके बारे में तो ये यकीन ही है कि आपके जो अमाल हैं वो तय बरपाक हैं और किसी गुनाह का तस्वूर नहीं किया जा सकता और चूंकि गुनाह का तब नहीं किया जा सकता लिहाजा उसकी जिम्मेदारी भी आपके अलावा किसी पर नहीं आ सकती तो आपके अमाल की जिम्मेदारी दूसरों पर ना होना कतई और यकीनी है और दूसरे लोगों के अमाल की जिम्मेदारी आप पर होना इसमें कोई शक हो सकता था तो लेकिन यकीनी चीज को के साथ मिलाकर एक शक वाली चीज को भी साथ मिलाकर ये यह बता दिया गया कि दोनों चीजें बिल्कुल ऐसी यकीनी है जिस तरह वो यकीनी है इसी तरह यह भी यकीनी है कि उनके किसी अमल का हिसाब आपसे नहीं लिया जाएगा तो ये एक तफसीर इस इन आयात की यह है और इसमें रसूल करीम सलम को कहा जा रहा है कि इन फ़करा के अमाल की जिम्मेदारी आप पर नहीं लेकिन दूसरी तफसील इसकी यह है कि हिसाब हिम की जमीर वो मुशरकिन मक्का की तरफ राजे हो रही है ये लोग जो आकर सवाल कर रहे हैं कि तुम फकीरों को और कम माशी हालत रखने वालों को अपनी मजलिस से निकाल दो तो आप इनकी परवाह ना करें यह जो बातें कर रहे हैं तो इनके हिसाब में जो अमाल हैं उनकी जिम्मेदारी आप पर नहीं ये जो आपके साथ आकर गलत मुतालबा कर रहे हैं करने तो इनको लेकिन इसकी कोई जिम्मेदारी आप पर नहीं है और आपके किसी अमल की जिम्मेदारी उन पर नहीं है। तो ये जो कह रहे हैं कि गरीब लोग आपकी मजलिश में बैठते हैं इनको निकालें वो गरीब लोगों को मजलिश में बिठाना एक बुरी बात है और एक नाजायज काम है तो अगर हो भी वो नाजायज काम तो उसकी जिम्मेदारी आप पर ही होगी इनके ऊपर नहीं होगी लिहाजा आप क्यों उनको अपनी मर्जी से निकालें फिर तकबूर में और फिर आप म करने वालों में हो जाए ये बहुत बड़ा सबक दे दिया गया कि इस्लाम में जो किसी शख्स की फजीलत का दारो मदार उसकी माली हैसियत पर नहीं वो मालदार है सरमायादार है या तंगदस्त है इससे दर्जा बंदी इस्लाम में नहीं हो सकती रसूल करीम सरदम सल्लाम की तशीब आवरी से पहले लोगों के अंदर यही तस्वुर था कि जो मालदार है और ख़ानदान में उसको बड़ा समझा जाता है अपने माल की वजह से वही इज़्ज़त और शरफ़ का हकदार है और जो लोग गरीब हैं वो इज़्ज़त और शरफ़ के हकदार नहीं हैं तो ये लोगों ने माल और दौलत इसलिए कि पेश नज़र सब कुछ वो दुनिया का माल और दौलत है दुनिया की खुशहाली है आखिरत की कोई फिक्र नहीं लिहाजा जो इज्जत हासिल है वो मालदारों को है सरमादारों को है किसी को उसके मुकाबले में नहीं है लेकिन अम्बिया करामलाम जब तशरीफ़ लाते हैं तो इस तसुर को मिटाते हैं। और तस्वुर को मिटाने ही की वजह से कुछ ऐसी सूरत हाल अक्सर अम्बिया कराम के साथ रही है कि उनके सबसे पहले उनकी दावत को कबूल करने वाले और उनका साथ देने वाले वही लोग होते हैं जो कमज़ोर समझे जाते हैं या माली एतबार से कम समझे जाते हैं या रुतबे के एतबार से लोग उनको हकीर समझते हैं ये एम के राम ही की निशानी और बार बार कुरने करीम में कई जगह जिक्र आया है के बारे में और बात दूसरे एम के राम के बारे में कि उनके कौम ने भी ये एतराज़ किया था कि आपके पीछे गरीब क़स्म के लोग लगे हुए हैं यहाँ तक कि जब हज़रत अबू सुफीन हिरकल के दरबार में पहुँचे तो हिरकल ने जो बहुत सारे सवाल किए थे नबी करीम अलैहि वसल्लम के बारे में तो उनमें से एक सवाल ये भी था कि मुझे ये बताइए कि उनके जो मुतबीन हैं जो उनके पैरोकार हैं वो मालदार ज़्यादा हैं या मामूली कस्म के लोग ज़्यादा हैं उन्होंने कहा अबू सुफियान उसद काफिर थे तो ये समझा कि अगर इनको मैं कहूँगा कि भाई कमज़ोर कस्म के लोग हैं तो इनका दिल फिर जाएगा उससे हज़त मोहम्मद अलैहि वसल्लम तो कहा कि जी अक्सर और बेशतर जो हैं वो कमज़ोर लोग हैं तो बाद में फिर हरकल ने कहा कि ये जो तुमने जवाब दिया था इससे मुझे और ज़्यादा यकीन हो गया कि वो पैगम्बर हैं इसलिए कि वह कदालिक अतबा और रसुल अम्बिया कराम की दावत को पहले कबूल करने वाले और उनके पीछे चलने वाले गरीब लोग होते हैं लिहाजा इससे मुझे और ज़्यादा तस्दीक हो गई कि वह वाकई पैगम पर तो यहाँ अल्लाह तबारक व ताली ने इस इन आयात करीमा के जरिए इंसान की जो फिक्र है उसको तब्दील किया है कि वो जो मालो दौलत को सरमाए इज़्ज़त और शरफ समझता है ये बिल्कुल गलत बात है असल बात यह है कि इंसान के अंदर हक़ परस्ती हो हक़ को कबूल करने का मादा हो और हक पर चलने का मादा हो तो चाहे उसके फ़... कपड़े फटे पुराने हों चाहे उसको वो फाका का... कशी कर रहा हो लेकिन अल्लाह तबारक वाली के हाँ वही इज़्ज़त वाला है वही शरफ़ वाला है लिहाजा उसकी वजह से निकालना दुरुस्त नहीं इसलिए फरमाया फरुदाह हूँ फतगुनाम म ऐसा ना हो कि तुम उन गरीब लोगों को निकाल बाहर करो और उसके नतीजे में तुम ाल बन जाओ तो मालूम हुआ कि किसी गरीब आदमी की ताकीर करना या ये समझना कि इसका मेरे साथ बैठना मेरी तोहन है ये बहुत बड़ा जुल्म है और इंसान को ये चाहिए कि वो अपने अपने दायरे में जो गरीब लोग हैं उनको इज्जत दे उनको अपने साथ बिठाए लोग अपने खादिमों को साथ बिठाकर खाना खिलाना मायूब समझते हैं लेकिन कुरने करीम की इन इनायात के तहत और नबी करीम अलैहि वसल्लम की सुन्नत के तहत यह एक फजीलत की बात है कि आदमी अपने छोटे छोटों को और अपने से कम रुतबा लोगों को अपने साथ मिलाकर रखे अपनी मजलिस में रखे उनको इज्जत दे उनको एहतराम दे अल्लाह ताला हम सबको इसकी तोफ़ी ख़तः फरमाए